हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। आप सब कोई सेफ हो। सो आज मैं आ गई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो को लेके। रिक्वेस्ट वीडियो, ये वाला रिक्वेस्ट मेरे चैनल पे बहुत टाइम से आ रहा था। मैं इस वीडियो को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, रीजन भी मैं बताऊंगी क्यों, बट एट लास्ट मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा क्योंकि ह्यूज डिमांड है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है अंडर आर्म क्लीनिंग वीडियो। अंडर आर्म मीन्स क्या है वो तो आप लोग को पता ही है, ये इस जगह को अंडर आर्म बोला जाता है। सो अंडर आर्म क्लीनिंग वीडियो, इसका बहुत डिमांड है चैनल पे, पता नहीं बहुत से रिक्वेस्ट आए हैं, मैं इसको बना नहीं पा रही थी। सो आज फाइनली मैं अंडर आर्म क्लीनिंग वीडियो लेके आ गई हूँ एंड इन साड़ी पहन के मैं ये अंडर आर्म क्लीनिंग वीडियो बना रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैक्स आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसा हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हो, वीट चाहे या फिर कोई और कंपनी का, चाहो तो वीट का ही हेयर रिमूवल स्ट्रिप्स मिलता है, वो और इजी प्रोसेस हुआ इससे, वो यूज कर सकते हो। या फिर वैक्स मिलता है जिसको थोड़ा सा गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाके लगाया जाता है, आप चाहो तो वैसे भी वैक्सिंग कर सकते हो अंडर आर्म की हेयर रिमूव करने के लिए। और इसके अलावा आप चाहो तो ऐसे रेजर का भी यूज कर सकते हो, जैसे लड़के लोग ऐसे शेव करते हैं ना, वैसा ही लड़कियों के लिए भी ऐसा मिलता है अलग अलग कंपनी का। ये मैं यूज कर रही हूँ जिलेट कंपनी का है, ये ओनली फॉर लेडीज। देखिए ये इस तरीके से है, कटने का डर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर जैसे स्किन पे दाना निकलता है ना, वैसा कुछ रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके ऊपर से आप ऐसे रेजर चलाओगे तो फिर वो दाना निकल जाएगा, कट के अलग हो जाएगा, नहीं तो इससे कोई अलग से प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को जो हेयर रिमूव करके दिखाने वाली हूँ वो इसी से करके दिखाने वाली हूँ। मैं ये वीट का यूज नहीं कर रही हूँ, शायद किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, अच्छा सबसे पहले मैं अपने हेयर को बांध लूं। अच्छा, इतने दिनों से आ रहा था रिक्वेस्ट, बट मैं हेयर रिमूवल ये जो वीडियो है वो नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन है, ये रहा मेरा अंडर आर्म, ये नेचुरल है, ठीक है, यहाँ पे हेयर ना के बराबर है, मतलब विजिबल नहीं है, इतना छोटा छोटा है, जैसे हेयर ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि मैं क्लीन करके फिर आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे अलग से हेयर रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि है ही नहीं। सो फिर भी इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी, एक्चुअली हेयर रिमूव करना है, अगर हेयर ही नहीं है तो मैं रिमूव करके क्या दिखाऊंगी आपको, है ना। सो फिर भी इतना डिमांड है, इतना डिमांड है, सो मैं सोची कि चलो ये वीडियो बना ही लेते हैं। सो मैं आज इरेजर का यूज कर रही हूँ और इसके साथ मुझे चाहिए, सबसे इजी प्रोसेस हुआ, अगर घर पे एलोवेरा जेल है तो आप उसका यूज कीजिए, मैं उसी से यूज करती हूँ। एलोवेरा जेल जैसे लगा, आप सोप लगाते हो उसी तरह से एलोवेरा जेल लगा के 1-2 सेकेंड छोड़ दीजिए उसको, फिर शेव कर लीजिए, सबसे अच्छा है, बट अभी नहीं है अवेलेबल। इसी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ये जो बॉडी वॉश मेरा है, एक ड्रॉप, ज्यादा नहीं लेना है, बस एक ड्रॉप आप अपने अंडर आर्म पे, पहले अंडर आर्म को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, देखिए इस तरह से, मैंने पानी भी लेके बैठा यहाँ पे एक कटोरी में, सी चाहिए तो और भी गीला कर सकते हैं, बट स्लीवलेस पहनिएगा तो फिर और ज्यादा अच्छा होगा ये करने में, मेरा स्लीवलेस है देख लीजिए। बस मैं पहले एक साइड का कर लूं फिर दूसरे का करूंगी। ये जो इरेजर है, आपको क्या करना है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए, आप अगर ऐसे रखिएगा तो कट सकता है इसकी वजह से, बस इसी वजह से मैं हेयर रिमूवल वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि दिखाने लायक कुछ है नहीं, हेयर रिमूव जो भी है वो विजिबल नहीं है, फिर आप लोग को समझ भी नहीं आएगा, बट इतना रिक्वेस्ट आ रहा है फिर मैं क्या करूं। सी
शायद आप लोग को दिख रहा होगा, इतना सा ही है बस, हो गया और कुछ है नहीं। एंड ये शेव करने के साथ साथ क्या होता है, अंडरआर्म क्लीन भी हो जाता है, बस मुझे और कुछ करना नहीं है। अब इसको क्या करना है, ऐसे मैं इसको धो के, फिर मैंने एक कॉटन का रुमाल लेके बैठा है, सी आप ये नहाते टाइम करो तो और बेटर है, बट ये वीडियो बनाने के लिए मैं अलग से इस समय कर रही हूं। ये रहा मेरा अंडरआर्म, अब दूसरे साइड पहले इसको गीला कर लो, फिर एक ड्रॉप ये लेना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ अगर हेयर बहुत ज्यादा है ना तो फिर थोड़ा सा लीजिएगा, मेरा तो है ही नहीं तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेने से ही हो जाएगा, काफी है मेरे लिए। अच्छा इरेजर को एक बार यूज करने के बाद इसको धो लीजिएगा, नहीं तो उस पर हेयर वगैरह सब रहते हैं। और आप जो ये शेव करेंगे ना हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट, अगर हेयर ऐसे आ रहा है तो आपको शेव ऐसे करना है, अगर हेयर ऊपर से नीचे तक आता है तो ऐसे करना है, तो फिर अच्छे से हो पाएगा। बस हो गया, हो गई हमारी अंडर आर्म क्लीन। मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि अंडर आर्म पे ज्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ और एक चीज बता दूं, अंडर आर्म क्लीन करने के बाद यहाँ पे कुछ मॉइस्चराइजर लगा लिया कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा के इसको थोड़ा सा मसाज कर लीजिए तो अंडर आर्म सॉफ्ट रहेंगे, अंडर आर्म में ड्राइनेस नहीं आएगा। और अगर आप एलोवेरा जेल लगा के कर रहे हैं तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी ऑयल कोई भी क्रीम लगा सकते हो, जैसे सोप लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है ना, एलोवेरा जेल लगा के करने के बाद ये चीज नहीं होता है। सो चलिए आज आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो गई, एंड किस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी ये भी मैंने आज बता दिया, क्योंकि मेरे अंडर आर्म पे हेयर ना के बराबर है तो फिर क्या रिमूव करूं इसी वजह से। सो आज का वीडियो यहीं तक, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए टाटा।